जय हिंद दोस्तों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच एक महानायक इरफान खान नहीं है। वो बहुत ही अच्छे और उम्दा एक्टर थे। उन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो दूरदर्शन से की थी और काफ़ी सारे जरूरी एक बात और बता दूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में एक हायर लेवल पर काम किया है। कोई साइड रोल नहीं, लीडिंग रोल में काम किया है। और जो दो फेवरेट मूवी है मेरी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और जुरैसिक पार्क लॉस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत ही आपको पता होगा कि ये दोनों सीरीज बहुत ही हाई लेवल पे हैं और उन दोनों सीरीज में इन्होंने काम किया और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं, लेकिन ये दो फेवरेट फिल्म थी। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो दिलचस्प बातें हैं वो मैं इरफान खान की आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन के बारे में। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन में उन्होंने इस तरीके से काम मिला था, जब उनका एक इंटरव्यू न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा तो मार्क वेब जो कि डायरेक्टर हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन के, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें फ़ोन किया। और जब फ़ोन किया, उन्होंने जब स्क्रीन प्ले बताया तो लेकिन पहली बार में इरफान खान ने मना कर दिया था। लेकिन जब दोबारा से उन्होंने रिक्वेस्ट की, समझाया, उन्होंने बताया पूरा स्क्रीन समझाया कि किस तरीके से क्या काम होगा, तो उन्होंने हाँ कर दिया। और दूसरी चीज़ है, एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं, तो जुरैसिक पार्क वर्ल्ड, जब वो एक बार छोटे थे तो उन्हें जुरैसिक पार्क मूवी उनको भी बहुत अच्छी लगती थी, जो इरफान खान थे उनको भी बहुत अच्छी लगती थी मूवी। तो एक बार वो देखने गए, वहाँ पर ब्लैक में इतनी भीड़ थी कि ब्लैक में टिकट्स बिक रही थी, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि जो कि वो ब्लैक में खरीद सके। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, वो खुद उस फिल्म में काम किया, उन्होंने द लॉस्ट ऑफ वर्ल्ड। और इससे मैं भी बताता हूँ कि ये फिल्म मैंने भी, मेरा थोड़ा मूड ख़राब था तब, ये फिल्म मैंने अकेले जाके देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इंडियन एक्टर वहाँ पर लीडिंग रोल कर रहा है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ये दोनों मूवी ज़रूर देखना। और मैं और एक बात और बताना चाहूँगा, जब वो छोटे थे तो उन्होंने NSD से एक्टिंग स्कूल, जब NSD से एडमिशन लिया था और एक्टिंग पूरी वहीं से की थी, तो उनकी माँ ने उनसे ये बोला था, क्योंकि उनके घर में ज़्यादा फिल्म वगैरह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि अब तू ये काम करेगा नाचने गाने वाला। तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं माँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो भी मैं करूँगा, लेकिन ये मेरा पैशन है, मैं ये भी करना चाहूँगा। और एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब उनसे एक इंटरव्यू में रवीना टंडन जी ने पूछा कि आपको कभी मैंने नाचने गाने वाले रोल्स में ज़्यादा नहीं देखा है, तो उन्होंने एक छोटा सा फनी सा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर्स और हीरोइन को कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही उम्दा एक्टर थे और उनकी जो फिल्में हैं वो हमारी यादें बनकर रहेंगी, क्योंकि आगे वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं मेरी सिद्धांजलि उनको है, नमस्कार।